नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज दिनभर तमाम नई और बड़ी खबरों के साथ। मैं सोनम राजेश वॉकी बुलेटिन में आपके साथ, और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गांधी जी के संकल्पों का भारत, दशा और दिशा के विषय पर राजधानी पटना में हुआ परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन। वस्तु और सेवा कर GST पर जानकारी और जागरूकता कार्यक्रम के मौके पर भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि इससे आर्थिक मोर्चे पर सफलता मिलेगी, वहीं आम लोगों को इससे होगा काफी फायदा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और समरस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि ने कहा कि उनके घर पर हुई गोलीबारी बड़ी साजिश का है परिणाम। अपनी मांगों के समर्थन में बिहार प्रोविंशियल ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन आगामी 30 जून को करेगी राष्ट्रव्यापी हड़ताल। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। राजधानी पटना में गांधी जी के संकल्पों का भारत, दशा और दिशा के विषय पर परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने कहा कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में महात्मा गांधी जी के विचारों की काफी अहमियत है। उन्होंने आगे कहा कि बेहतर परिणाम के लिए पुराने नींव पर ही नए निर्माण की सोच के साथ काम किए जाने की आज जरूरत है। बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान की ओर से आयोजित इस परिसंवाद कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। विद्यालय के संचालन में कि ऐसा उन्होंने राष्ट्रपति ने कहा था, राष्ट्रपति ने स्वयं उनको स्मरण दिलाया और वहां विद्यापीठ में पहुंचे थे। तो इस तरह के विद्यापीठ में गीता जहां कंठाग्र करवाया जाता था, योग सिखाया जाता था, उसे विद्यापीठ में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। और मेरे विवाह के पीछे उस विद्यापीठ का बहुत बड़ा हाथ था कि जब लड़के से पूछा गया कि शादी यहाँ कहाँ करें, तो उन लड़के ने, जो आज लड़का नहीं है, उन्होंने निश्चय किया था कि विद्यापीठ की पढ़ी हुई है, इसलिए उसी लड़की से विवाह करें। वही वस्तु और सेवा कर GST पर जानकारी और जागरूकता के लिए शनिवार को राजधानी पटना में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विशेषज्ञों की ओर से GST से लोगों को होने वाले लाभ और इसकी कर प्रणाली के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय ने इस मौके पर कहा कि केंद्र सरकार की ओर से ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इससे जहां आर्थिक मोर्चे पर सफलता मिलेगी, वहीं आम लोगों को भी इससे काफी फायदा होगा। और GST वास्तव में एक सामान्य कर प्रणाली, जब सामान्य कर प्रणाली जब पूरे देश में लागू होगा, तो सबसे पहले तो छोटे से लेकर जो मझोले व्यापारी हैं उनको जो व्यापार में कठिनाई होती थी और जगह जगह टैक्स देना पड़ता है, उससे वो मुक्त रहेंगे। दूसरा है कि महंगाई भूल जाएगा, पर इस पर अभी महंगाई जिस प्रकार से बढ़ती है 3 वर्षों के शासनकाल में, आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि टैक्स के हिसाब से अलग अलग टैक्स रहने से, कई जगह लगने से वस्तुओं की दाम में वृद्धि हो जाती है। एक तरफ जहां पूरे देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, इसी कड़ी में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो और सांसद पप्पू यादव ने अपना पत्ता खोल दिया है। मोतिहारी पहुंचे पप्पू यादव ने राष्ट्रपति चुनाव में NDA गठबंधन के प्रत्याशी और बिहार के पूर्व राज्यपाल रामनाथ कोविंद को अपनी समर्थन देने की बात कही है। एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मोतिहारी पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने सर्किट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि विगत 70 सालों से अल्पसंख्यकों को ठगते आ रहे हैं नेताओं को अचानक दलितों की याद कैसे आ गई, बावजूद इसके उनकी पार्टी रामनाथ कोविंद को समर्थन देगी। इसके साथ ही सांसद पप्पू यादव ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और CM नीतीश कुमार से सवाल किए हैं कि पिछले 24 सालों से बिहार में शासन में कर रहे, लेकिन उप मुख्यमंत्री के लिए कभी किसी दलित और अल्पसंख्यक को क्यों नहीं सामने लाया गया, और आज अचानक दलित प्रेम कैसे जाग गया। सांसद पप्पू यादव ने CM नीतीश कुमार और सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चैलेंज देते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री के पद से लालू यादव अपने पुत्र को हटाकर किसी दलित को आखिर क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। हम सब लोग सपोर्ट में खड़े होंगे मीरा कुमार जी, और नीतीश कुमार जी से भी आग्रह करेंगे कि मीरा कुमार जी के पक्ष में खड़े हों। यदि DC एक दलित और एक अल्पसंख्यक बनाने को लालू यादव तैयार और नीतीश जी तैयार, अन्यथा राष्ट्रपति पदों के गंभीरता को समाप्त।
बिहार प्रोविंशियल ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के तत्वाधान में शनिवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में अध्यक्ष सुब्री प्रसाद ने बताया कि आगामी 30 जून को ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे देश के 56 ग्रामीण बैंकों में काम करने वाले लगभग 70,000 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी अपनी मांगों के समर्थन में राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि बैंकों के प्रधान कार्यालयों के समक्ष हड़ताली कर्मचारी धरना का भी आयोजन करेंगे। जितने अस्थायी कर्मचारी हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाना, भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया जाना, प्रायोजक बैंक के अनुरूप पेंशन का एक्सटेंशन किया जाना, स्कीम लागू करना और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, ये 10 मांगे हमारे हैं जिसमें 5 मांग हैं। इसके लिए हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। सरकार से कई बार हम लोगों ने किया, दिल्ली धरना दिया, हर तरह से किया, फिर भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। जबकि जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, स्पॉन्सर बैंक हैं, उसमें अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हो रही है, लेकिन ग्रामीण बैंकों में इस स्कीम को अभी तक लागू नहीं किया। समरस समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नागमणि के एक प्रेस वार्ता में कहा कि अगर उन पर किसी तरह का कोई घटना घटती है तो उसकी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। उन्होंने आगे कहा कि उनके घर पर हुई गोलीबारी एक बड़े साजिश का परिणाम है। वहीं उन्होंने कहा कि उनके बार बार पुलिस प्रशासन को आवेदन देने के बावजूद भी हाउस गार्ड और अंग रक्षक मुहैया नहीं कराया जा रहा है। और जिस तरह से उनकी हत्या हुई, मेरी भी हत्या इन लोग इसलिए कराना चाहते हैं कि कुछ ही दिन पहले मेरा हमने संकल्प लिया है कि बिहार में कुशवाहा तमाम पार्टी इधर उधर पार्टी में है, सबको एक साथ करके और एक साथ जोड़ेंगे और अपने साथ 29 जुलाई को जो ज्वाइन करेंगे तो नागमणि नहीं, कुशवाहा समाज के नेता नहीं, बल्कि पूरा कुशवाहा समाज शामिल होगा, ज्वाइन करेगा। और उस दिन से बिल्कुल जो सामाजिक न्याय के जो नेता बने हुए बिहार में, उनका हैसियत बिहार में खत्म हो जाएगा। आज जो दावा कर रहे हैं बीजेपी के साथ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, कभी लालू जी के साथ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, उनका वोट कहाँ है बिहार में? हमारा कुशवाहा वोट पर कूद रहे हैं, जिस दिन ज्वाइन करेंगे उस दिन से उनका हैसियत खत्म होगा, न बीजेपी पूछेगा और न लालू प्रसाद यादव जी पूछेगा। इसलिए उनको होश में रहना चाहिए और अगर हम पर कोई घटना हुआ तो सीधा का सीधा बिहार सरकार दोषी होगा और यहाँ का प्रशासन दोषी होगा। यह मैं खास तौर से एलानिया तौर पर आपके माध्यम से बिहार की जनता, सरकार और प्रशासन को कहता हूँ। कला और युवा संस्कृति विभाग के तत्वाधान में राजधानी पटना के रविंद्र भवन में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से आए किन्नर समाज के कलाकार मंडलियों की ओर से आकर्षक प्रस्तुति की गई। इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री शिवचंद्र राम ने कहा कि पहली बार राज्य में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि किन्नर समुदाय के लोगों को कला के माध्यम से मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मद्देनजर जिले के सभी छोटे बड़े बाजारों की रौनक बढ़ गई है। सड़क किनारे भी रेडीमेड कपड़ों के साथ साथ हर जरूरी सामानों की दुकानें सज गई हैं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम भाई जमकर ईद की खरीदारी कर रहे हैं। खासकर इफ्तार के बाद बाजारों की रौनक कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। दिन भर रोजे में रहने के बाद शाम को इफ्तार के बाद मुस्लिम भाई पूरे परिवार के साथ खरीदारी के लिए बाजार की ओर निकल पड़ते हैं। रेडीमेड दुकानों के साथ साथ कॉस्मेटिक, इत्र और जूते चप्पलों की दुकानों पर भी अधिक भीड़ देखी जा रही है। भीड़ इस तरह की लोगों को अपनी बारी का घंटों इंतजार करना पड़ता है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में बाजार काफी गर्म है और कपड़ों की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। ईद को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं। ₹45,000 बिजली जनरेटर और डीजल वगैरह के जो खर्च है, बिजली के
और अब बात मोतिहारी की। मोतिहारी के झाका अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्र से 3 उचकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार उचकों के पास से 3 मोबाइल 8 एटीएम बरामद किए गए हैं। दरअसल शिकारगंज पुलिस को जानकारी मिली थी कि शिकारगंज बैंक के पास एक युवक संदिग्ध स्थिति में मंडरा रहा है। मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और पूछताछ में ये पता चला कि गिरफ्तार युवक किसी भी बैंक के एटीएम के पास मौजूद रहते थे और अगर ग्राहक को पैसा निकालने में कोई परेशानी होती थी तो उसकी मदद के बहाने उसके एटीएम को वे बदल देते थे। फिर बदले गए एटीएम से पैसे की निकासी विभिन्न माध्यमों से वे लोग करते थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। एटीएम का अदला बदली करके पैसे लेकर भागता है तो 3 आदमी को पकड़ा गया जो कि देवेंद्र सहनी है जो चकिया का है और राजीव मीनापुर का है, दशरथ भी मीनापुर का है। इनके पास से मिला के 8 एटीएम 3 मोबाइल बरामदगी हुई है और इसके साथ जो सहयोगी है जो भागा है उसको भी पकड़ेंगे हम लोग। इस क्षेत्र में जो एटीएम का हेरा फेरी करके पैसे का जो निकासी करने वाले गिरोह का जो भंडाफोड़ आज दोनों पुलिस के सहयोग से किया गया है। और पश्चिम चंपारण लौरिया थाना अंतर्गत एक जमीनी विवाद के कारण युवक की मौत थाना क्षेत्र के परवान गांव में रास्ते को लेकर हो गई। आपसी हिंसक झड़प में झूलन यादव गंभीर रूप से घायल हो गए जहां घायल का इलाज पटना में किया जा रहा है। इलाज के दौरान घायल व्यक्ति की मौत हो गई। शव को लेकर परिजन थाने के गेट पर खड़े हो गए। परिजन प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग कर रहे थे। वही थाना अध्यक्ष ने बताया कि उक्त घटना के संबंध में मृतक के परिजनों का बयान दर्ज कर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद कार्रवाई की जा रही है। दरखास्त दे खातिर तो बार बार कहने की इलाज करा लेंगे पहले फर्ज बयान होई तो ओकर आधार पर केस होई तो हमने के यही जा लौरिया हॉस्पिटल में गणित हो तो हॉस्पिटल में से डॉक्टर साहब रेफर करी तो गणित से बेतिया गणित हो तो वही से रेफर भेल तो पटना गणित हो पटना इलाज हो तो अभी मरीज के को होश ना आई तो 22/6 के शाम के 6 बजे एक्सपायर हो गई तो 22 तारीख के तो 23 तारीख हमने के पोस्टमार्टम करा के आई जा लौरिया थाना पर आज आयल बनी सब। रोहतास पुलिस ने अवैध खनन इलाके से तबाही का सामान बरामद किया है। जी हां, मुफस्सिल थाना की पुलिस ने बासा के पास से बिजली ऑफिस के पीछे छुपाकर रखे गए विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट के अलावा भारी मात्रा में जिलेटिन की छड़े और डेटोनेटर बरामद किया है। मुफस्सिल थाना अध्यक्ष जगनिवास सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर 1200 पीस जिलेटिन की छड़े 125 किलो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट और 2 जिलेटिन की छड़े बरामद की गई है। गौरतलब है कि अवैध खनन इलाके में इस तरह के विस्फोटकों का उपयोग पत्थर खनन में होता आ रहा है। उधर नक्सली भी इसे विस्फोटक में उपयोग करते आ रहे हैं। पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। गुप्त सूचना मिली कि बांसा बिजली ऑफिस के पीछे कमरे में कुछ अवैध विस्फोटक वो लोग रखे हुए हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर उन्होंने वहाँ छापामारी की। छापामारी में 1200 पीस जिलेटिन, 2.5 बोरा में 125 kg अमोनियम नाइट्रेट और 2 डेटोनेटर बरामद हुई है। इस संदर्भ में अज्ञात पूर्वक प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मोतिहारी के छौरादानों प्रखंड और अंचल कार्यालय में बिजली के लिए तोड़फोड़ और हंगामा किया गया। अंचल कार्यालय में उपद्रवियों ने आंदोलन के नाम पर खूब तांडव मचाया। उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी। बिजली की मांग को लेकर प्रखंड क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन गांवों के लोगों ने पूरे प्रखंड और अंचल कार्यालय के साथ ही मुख्य बाजार को अपने कब्जे में लेकर आगजनी और जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची और हंगामा मचा रहे लोगों को वहां से भगाया और अंचलाधिकारी को सुरक्षित उनके कार्यालय से निकाला। मामला है कि दिलीप कुमार जिला परिषद जी अपना यहाँ पर आयोजन किए थे, बिजली बार बार बिजली नहीं रहती है तो उसी के संबंध में अपना धरना प्रदर्शन का आयोजन किए थे। उसी धरना प्रदर्शन कर रहे थे और करने के क्रम में ही कुछ लोग उसी में से, जहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था उसी में से कुछ लोग लाठी डंडा इस सब चल रहा होकर के और ब्लॉक अंचल पर हमला कर दिया। तो उसमें हम भी थे, जो हम भी जान बचाने के फेरी में घूम रहे थे कार्यालय के अंतर्गत कि कहीं उन्हीं में कुछ हो जाए। उसके बाद जब पुलिस टीम आई तो उसके बाद खदेड़ कर तो उनको भगाया गया। यही प्राथमिकी दर्ज हुई थी। कितने लोग नामजद हुए? नामित उसमें केवल 1 हैं, जो आयोजक थे वही नामित है और सीधी उपलब्ध करा दिया गया थाना प्रभारी को। थाना प्रभारी सीजे के माध्यम से
इन्वेस्टिगेशन करेंगे उससे पता चलेगा कि क्या क्या है। रोहतास जिले के डेहरी ओनसोन में गया डेहरी बाराबा डी पैसेंजर ट्रेन डिरेल हो गई। डेहरी रेलवे स्टेशन के अपलाइन पर ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया जिससे उस पर परिचालन बाधित हो गया। अपलाइन की ट्रेनों को डाउन लाइन के पटरी से चलाया गया। हादसे में किसी भी तरह के हताहत की सूचना नहीं है। इसके बाद रेल प्रशासन सक्रिय हुई और ट्रेन के इंजन को पटरी पर लाने का काम शुरू कर दिया। इंजन का देखा जाएगा आप कहाँ प्रॉब्लम, मतलब डिरेल हुआ है ना ये? हाँ बिल्कुल। कोई कैजुअल्टी भी ना कोई चीज़। अभी आवागमन की क्या स्थिति है? अभी आवागमन आप में चल रही है, उधर से यार्ड से निकल रही है। जी पैसेंजर गया मुगलसराय निकली है जी, और अभी मेल एक्सप्रेस भी निकलेगी। और डाउन लाइन? डाउन लाइन तो प्रॉपर क्लियर है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम, डाउन लाइन का गाड़ी आ रही है। बेगूसराय पुलिस ने लूट और बमबारी के आरोपी कुख्यात अपराधी संतोष मेहतो को एक साथी बबलू कुमार के साथ गिरफ्तार किया है। फुलवरिया थाना प्रभारी रंजीत रंजन ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के बाबा थाना से संतोष और बबलू को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से एक देसी पिस्तौल, दो कारतूस और दो बोतल विदेशी शराब के साथ उसे गिरफ्तार किया है। संतोष मेहतो पर डकैती, रंगदारी के लिए बमबारी करने सहित 7 मामले दर्ज है जिसमें वो फरार चल रहा था। पुलिस इसे अपनी एक बड़ी कामयाबी मान रही है। इसकी गिरफ्तारी से इलाके में की काफी कमी आएगी ऐसा पुलिस ने बयान दिया है। करीब 8:30 बजे सूचना मिला कि देगरा तरफ से साइकिल से आगे में झोला रखे हुए मतलब फुलबरिया की तरफ आ रहा है बाबा स्थान रोड में। तुरंत बरिया पदाधिकारी को सूचना देकर पकड़ने हेतु थाना से निकल पड़ा, जिसको पुलिस देख भागा दो व्यक्ति, जिसको पकड़ने पर उसके कमर से देसी पिस्तौल, दो गोली, साइकिल में टंगा हुआ उसमें दो दारू का बोतल था, प्लास्टिक का झोला था। अभी सर किस मामले में फिलहाल अभी था? अभी तो डकैती में फरार था, बम कांड में फरार चल रहा था। करीब इस पर आधा दर्जन से अधिक केस का फरारी मुजरिम था। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।